Assalamualaikum, Assalamualaikum पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। अच्छा जी, ऑफकोर्स फ्रेश मंडे, दो दिन की वोकेशन के बाद और फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी में रवा दवा, और ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी तो एक पर्सन है जो एमए पास है, आई थिंक बिलोंग टू कराची, मे बी, जहन में अब नहीं आ रहा, लेकिन उसने जो है वो गोला गंडा बड़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे और बहुत अच्छी स्टडी उन्होंने की हुई ऑफकोर्स, तो मेंशन हो रहा था कि छह बच्चों का बाप जो है वो जॉब ढूंढते ढूंढते जब उसको कहीं पर भी नहीं मिली तो उसने गोला गंडा बेचना शुरू कर दिया, और वो भी बड़े वर्स्ट स्टाइल में इंग्लिश में कह रहा, प्लीज कम यार, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो एंटरटेन भी कर रहे थे। और फिर उसने फिर इंटरव्यू दिया। बेसिकली मेरे लिए ये मोटिवेशनल मैसेज है, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब मुझे कोई दिला दो, ये वो, लेकिन जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो कर गुजरते हैं। और रियली वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, और उसने कहा है कि मैं बहुत अच्छा, लोग इतना इंजॉय करें, तो क्रिएटिविटी जो है ना, वो क्रिएशन जो है वो वैरायटी पैदा करती है और आपके लिए रास्ते बनाती है। तो प्लीज़ यू शुड बी वर्क हार्ड, आपको बहुत ज़रूरी है आप अच्छा काम करके दिखाएं और करके दूसरों को बताएं कि आप कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। बट हमेशा हम लोग जो है ना वो कहते हैं बस हम अपने आप को यही समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते। जब आप खुद ये सोच लें तो फिर अल्लाह पाक हमारे लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो अपने लिए भी मैसेज बने और अपनी औलाद के लिए भी और औरों के लिए भी, कि लोग आपको फॉलो करेंगे, वो किसी के मोहताज ना हो। लेट्स सी, सोशल मीडिया में बहुत सारे मोटिवेशनल मैसेज होते हैं, आप लोग चाहें तो आप उसको पॉजिटिव थिंग्स में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक और हेल्थ की बात करूँ, ऑफकोर्स हम अपनी सेगमेंट की जानिब चलते हैं, और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी, और हेल्थ और अवेयरनेस लाइक, तो उसमें हम ऑफकोर्स कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें आपको, और जॉइंट्स पेन। अच्छा, ये समझ में नहीं आती, यूरिक एसिड की कमी, ज़्यादती, घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाना, हड्डियों में पेन होना, ऑफकोर्स कोई ना कोई लिंक करता है एक दूसरे से। बोन्स में क्या कैल्शियम की कमी होती है, या कुछ वाइट सेल में कमी होती है हमारी जो है वो, जॉइंट्स पेन में दर्द होना, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी उंगलियां खुद ब खुद मुड़ने लगती हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स हैं, आपकी नीज में दर्द है, पाँव रखने में दर्द हो रहा है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, लॉट्स ऑफ थिंग। अच्छा, कुछ लोग ऑफकोर्स जामा भी करते हैं, तो हम लोग इस तरह की तमाम जो है गुफ्तगु आज करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर, ओहो ज़बरदस्त जो है वो, जब वो अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं, गपशप करते हैं, मुझे लगता ही नहीं वो हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं और वो कहते हैं खुश रहें, इसलिए कि खुशियाँ इंसान को जिंदा दिल करती हैं। तो जिंदा दिल शख्सियत हर्बलिस्ट और शहनशाह हर्बल कौन है, शाह नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये नीज और ये घुटनों के दर्द की आज हम बात करेंगे, और माशाल्लाह आपकी उम्र भी रेडी है। बिल्कुल रेडी है, और आज हम जो है नीज की प्रॉब्लम, जिस तरह गैप आ जाता है उसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, और एक होती है अर्थराइटिस, उसमें ये है कि गैप आ जाता है उसमें कड़कड़ की आवाज़ आती है, और एक होती है रोमेटाइज अर्थराइटिस जिसमें सूजन होना शुरू हो जाती है, और दूसरी चीज़ L4 L5 के जब मोरे हिल जाते हैं तो कमर से एक नर्व दबती है जो टांगों की तरफ आती है, बाज लोगों को पीछे पीछे से घुटनों तक दर्द आता है, बाज लोगों को पाँव के पंजों तक दर्द आता है, और इसे शाटिका पेन कहते हैं, जिसे अर्कुल निसा का दर्द भी कहा जाता है, और आम लफ्ज़ों में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। इसके अलावा अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसमें जब S1 दबता है तो हाथ भी सुन होना शुरू हो जाते हैं, और लेटते बैठते चक्कर आते हैं, तो आज हम उसको क्योर करने का बताएंगे, और साबी एक अच्छा नुस्खा है ये जब हम बनाना सिखाएंगे। ओके, अच्छा भाई दमन, एक और भी बड़ी यंगेस्ट हर्बलिस्ट हैं, काम तो उनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं मुझे अच्छा लगा, मैं हम ये जो है ना इस तरह की गुफ्तगू में हम आपको भी इन्वॉल्व करें, एज अ गेस्ट हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पर, तूबा रियाज
हर्बलिस्ट भी हैं और कपिंग थेरेपिस्ट भी हैं, जो हम कहते हैं हजामा। अस्सलाम वालेकुम तुबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप वो नहीं लग रही हैं, आप कोई ब्यूटी एक्सपर्ट लग रही हैं क्योंकि आपकी ब्यूटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और अच्छा है आपने आज हमें ज्वाइन किया, थैंक्स फॉर कमिंग बिनो। थैंक यू फॉर यू फॉर इनवाइटिंग मी एज अ कपिंग थेरेपिस्ट और हर्बलिस्ट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इन्होंने आज कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना था, बट वो जो मॉडल है ये ऐसे भाग जाते हैं ना, हम क्या करें तो उनके ऊपर कुछ थेरेपी। लेकिन हमने कहा कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आज स्पेशली जो है तुबा हमें बताएंगी ये कपिंग थेरेपिस्ट क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा बताएं ये किस लिए जरूरी है। बेसिकली बॉडी जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जो है ना हम लोग नहीं ले जाते उस चीज़ को, हम जैसे कि एलोपैथिक की मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली हिजामा में होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो कि अंदर ही बैठे हुए हैं, तो कपिंग के जरिए वो बाहर एनिमिलेट होते हैं। और जब वो एनिमिलेट होते हैं तो जितने भी बॉडी पेन होता है, बैकएक हो गया, जैसे कि ये बता रहे थे शाटिका का पेन कितना आजकल इन है, और सर्वाइकल इश्यूज, तो ये सारे रिलीज होते हैं। तो ये जिस तरह बता रही है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेवेंट होती है। अच्छा जी शाह साहब, साथ साथ इनसे भी बात होगी, लेकिन आज आपसे मैं जो बात कर रही हूँ वो है आपने जो स्पेशली होम रेमेडी रेडी की है वो रेलिवेंट टू जॉइंट्स पेन के लिए। जी, आज मैं एक ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ जो कि आपके जॉइंट्स पेन को भी ठीक करेगी, सर्वाइकल को भी ठीक करेगी, शॉटिका पेन को भी ख़त्म करेगी। और मुख्तसर चीज़ें इसमें तीन चार चीज़ें हैं, इसे आप अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए। क्योंकि जब कार्टिलेज कम हो जाता है ना, घुटनों में गैप आना शुरू हो जाता है, तो घुटनों का अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे घुटने खोखले हो रहे हैं, कभी क्या कहते हैं, तो वो खोखलापन जो होता है वो अर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं होता। खोखलापन जो है वो उसके लिए होता है जिसमें भुरभुरापन आ जाता है। अच्छा, एक अलग मैटर होता है ये, ठीक है। तो आज जो हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं वो आपके कार्टिलेज को पूरा करेगी, साथ में इसमें जो हम जड़ी बूटियां बताएंगे उसमें विटामिन डी, कैल्शियम और इसमें B6 B12 पाया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा इसमें जॉइंट्स पेन को भी ख़त्म करेगी। जो ऑस्टोपोरोसिस कहलाता है, जो कि हड्डियों का भुरभुरापन कहलाता है, वो एक अलग मैटर होता है, याद रखिएगा। उसके लिए ये होता है कि खजूर खाते हैं आप, उसके दरख्त का गोंद आता है, वो आप एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना खाएं या पिए। इसे तकरीबन आपने 4 महीने इस्तेमाल करना और अपना ऑस्टोपोरोसिस चेक करवा लें, जो कि बोन्स स्कैनिंग में आता है, तो इंशाल्लाह आपको नुमाया फर्क मिलेगा। तो आज जिस तरीके से जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए और शाटिका पेन को ख़त्म करने के लिए हम ये ले रहे हैं तुख्मे रेहान, ये हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम। कटोरी आप उस पर रख दें, टेबल पर रख दें आराम से। ये है सफेद मूसली, इसमें विटामिन डी बहुत पाया जाता है और कुछ मिकदार कैल्शियम की भी पाई जाती है। ये सफेद मूसली जो आपने पाउडर फॉर्म में की हुई है, ये साबुत है। अच्छा, साबुत, और ये इसका पाउडर है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। और ये है असगन नागोरी, जबरदस्त जी हाँ, इसमें विटामिन B12 B6। आपने बहुत अच्छा किया कि सामने वो प्रोडक्ट दिखा भी रहे, क्योंकि खरीदना चाहे तो खरीद ले, कहीं से भी खरीद सकते हैं आप। असगन्ना गोरी ये भी 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, तुख्मे रेहान ओके ये भी 50 ग्राम लेना है, और ये सुरनजान शीरी है ये हम डालेंगे इसमें 20 ग्राम। अच्छा, ओके, एक चीज 20 ग्राम है, बाकी चीजें 50-50 ग्राम है। इस तरीके से इसे सफूफ बना लें और इसकी एक चाय वाली चम्मच छोटी सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने से पहले अगर भूल जाए तो रात खाने के 1 घंटे बाद, एक कप दूध या पानी के साथ लें और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। पहले 4 दिनों में आपके दर्द में काफी आराम आ जाएगा, आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे 2-3 महीने इस्तेमाल करके छोड़ दीजिएगा और वॉक कीजिएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये हड्डियों में जो कड़कड़ की आवाज आती है ये भी दूर हो जाएगी, दर्द कमर को भी खत्म करेगी, सर्वाइकल को भी ठीक करेगी, शॉटिका पेन को भी ठीक करेगी। एक बात याद रखिए, अपने आप को इस तरह गिराइए नहीं, आप वॉक किया करें, चला फिरा करें, अपने आप को गिरा दिया तो समझ लो लेट गया। क्योंकि जो जॉइंट्स पेन का पेशेंट होता है वो जब चलता है तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, अगर बैठ जाता है तो बड़ा जोर लगा के उठना पड़ता है, जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो ये वो चीज भी सही करेगी और इतना तकलीफ में आ जाते हैं कि बेचारे कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह आप इसे यूज कीजिएगा, आप अपनी दुआओं में मुझे और साबी को याद कीजिए। हाय हाय, जबरदस्त। अच्छा, साथ में आपने ये कहा कि इसकी मैं चाह रही थी कि जो आपने अभी होम रेमेडी बताई है रेलेवेंट टू जॉइंट्स पेन के, अगर हम इसकी अभी वो देखें कि ये किस किस टाइम पे लेना हमारे लिए किस तरीके से, कुछ लोगों को जैसे दूध मना होता है किडनी इन्फेक्शन की वजह से, तो हम चाहते हैं इसको मेथड इसका लेने का अर्ली इन द मॉर्निंग निहार सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाए नाश्ते के 1 घंटे बाद,
दूध या पानी के साथ लें, मैंने लफ्ज ये यूज किया, और इसे कंटिन्यू कुछ दिन यूज करना होगा। और दूसरा कोशिश कीजिए जैसे आलू चावल गोभी पराठा ये चीजें जरा कम इस्तेमाल करें, जो लेसदार चीजें हैं जैसे अरवी हुआ, टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीजें ज्यादा खाएं। भिंडी का इस्तेमाल करें जो कि आपके घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। लेस कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, ये कार्टिलेज को पूरा करती है। अरवी और भिंडी, अच्छा हम लोग यूं भी कर सकते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन हम सेलेक्ट कर लें कि हमने एक दिन में भिंडी का इस्तेमाल करना है या अरवी का इस्तेमाल करना है, हफ्ते में एक दिन अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं आप, एक दिन अरवी करें, दूसरे दिन टिंडा करें, तुरई करें, और दिन बे दिन बढ़ते जाएं। और जरूरी नहीं है कि आप टोटली सब्जियों पे चलें, आप अपने लिए प्रोटीन भी ले सकते हैं, गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी कर सकते हैं। आप एक डेट बना लें, जरूरी नहीं है कि एक फेवरेट चीज ही रखी हुई आपने, हर चीज खाएं, अल्लाह की नेमतें हैं ये, ताकि और बच्चों को भी आदत दिलाएं कि आप हर चीज खाया करें, कल ये चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या खाएंगे। हाय हाय, और ये एज पर भी बड़ा काउंट करता है कि अगर हम ग्रूमिंग में चल रहे हैं तो अगर हम लोग इन चीजों को स्किप करते हैं फिर बाद में जाके बड़ा पंक्चुअलिटी से खाते हैं, वो इफेक्ट भी नहीं। अच्छा साबी, एक चीज मैं बताऊँ की बाज लोगों को जैसे शुगर है, वो 6-6 महीने गुजर जाते हैं, अपनी शुगर टेस्ट नहीं करते हैं, एक ही दवाई पे चल रहे होते हैं, जो गलत तरीका का है। अब आपको अगर यूरिक एसिड, यूरिया जिसे बंद क्रिएटिनिन कहते हैं, या आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, तो आपको वो चीजें खाने को दिल करेगा जो डॉक्टर ने मना की, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए, देखे एहतियात अफसोस से बेहतर है। आपको जिस तरह डालें, क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है, जो किडनी का इश्यूज बढ़ जाता है, तो आगे चल के डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, तो उसमें गोश्त वाली चीजें बंद करते हैं, दालें बंद करते हैं, लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर ये बंद करते हैं, तो कोशिश कीजिए ये ना खाया करें। आप पानी का टेक नॉर्मल रखें, अगर आप डायलिसिस पेशेंट है तो फिर पानी तो आपने नॉर्मल कर देना है, सिर्फ मुंह गीला करना है आपने, लेकिन जो डॉक्टर का मशवरा है या उसका फॉलो अप है वो प्लीज जारी रखिएगा। ये ना सोचिए कि आपने कोई एंटीबायोटिक या कोई भी दवा आपको डॉक्टर ने दी है कि आपको 7 दिन खाने को बोला, आप 2 दिन खाते हैं, कहते हैं मैं ठीक हो गया हूं, छोड़ देते हैं, जो शिद्दत से रिपीट होती है बीमारी आपके। ओके, इसलिए आप डॉक्टर के जो आपको जितने दिन का है उसको पूरा किया करें। ओके, अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं और हम लोग रेलिवेंट टू जॉइंट्स पेन के डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। और नाज़रीन हम लोग चलते हैं तुबा की जानिब, तुबा बताएंगे, और हमारे इधर में कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं अक्सर बात कर रहा हूँ, ये बिसलवा टोन से। कहाँ से? मैं बिसलवा टोन से, नॉर्थ नाजमाबाद से बात कर रहा हूँ। नॉर्थ नाजमाबाद से जी भाई, आपने क्या पूछ रहे हैं? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे ये लेफ्ट फीमर में और ये स्पाइन में और सर्वाइकल में इतना शदीद दर्द है कि मैं पैर नीचे नहीं रख सकता और दर्द पड़े ही रहता हूँ, बहुत शदीद दर्द है मेरे को। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, यार आपकी आवाज कट रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। सर मेरे ये लेफ्ट फीमर में जो है ना, मैंने MRI भी की थी तो डॉक्टर शमशेर से मेरा इलाज चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि आपके ये फीमर में एक नस जा रही बड़ी वाली, इसमें जो है ना बल आ गया। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, कुछ सवाल करना तो पूछे ना डॉक्टर साहब। हाँ तो उसकी वजह से मुझे पैर को मूव करने में भी मुश्किल हो रहा है, उससे मेरे ये गर्दन और ये शोल्डर और ये अपर स्पाइन और ये लोअर स्पाइन जो है ना, उसमें बहुत शदीद पेन हो। अच्छा, आपको लेटते बैठते चक्कर महसूस तो नहीं होते? नहीं नहीं, चक्कर नहीं महसूस होते। अच्छा, आप गिरे तो नहीं थे? नहीं नहीं, गिरा भी नहीं, छोटे नहीं है, बस ये काम के दौरान ही मेरे को, मैं असल में थोड़ा प्रोटीन का काम करता हूँ ना, तो इसके वजह से जो हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, टीवी के सामने आ जाइए, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, पेन कागज जरूर रखिए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो इसकी वीडियो बना लीजिए। डॉक्टर मेरे को तो लिखना नहीं आता मैं। अच्छा चले, अच्छा वैसे आपने डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा यूं कहा कि आप क्या करें, टीवी के सामने आ जाए, मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और फूकूंगा, ठीक हो जाएंगे। अपने ऐसे एक्सप्रेशन से कहा था, मैं भी बड़ा गौर से कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रही कि शाह नजीर साहब क्या करें, प्लीज आप स्क्रीन पर आ जाए, मैं अभी एक फूक मारूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह पाक ने हमारे कलाम में वैसी बड़ी जो है ताकत रखी है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक बगैर दवाइयों के ठीक करे, और जो लोग एक कॉल पे या फोन पे पूछते हैं अल्लाह पाक उसे फोन पे ही ठीक कर दे, किसी के पास जाने की जरूरत ना हो। आपने देखे 3 चीजें लेनी है, एक लेनी है आपने गोंद फुलाई, जिसे गोंद छल्ला भी कहा जाता है, ये 50 ग्राम ले लें, जिस तरह अभी मैंने ये सफेद मूसली बताई है ये 50 ग्राम ले लें, और सुरंजान शीरी 20 ग्राम ले लें, इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें,
एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से लें। ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज कीजिएगा, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दीजिएगा। फर्क आपको 24 से 48 घंटे में आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, साथ में आपने कहा कि मैं लिखना नहीं आता, तो रात को जो है ये रिपीट शो चलता है रात को 12 बजे, ठीक है? आप इस शो को रिपीट देख सकते हैं और रात को 9-10 बजे ये अपलोड भी हो जाएगा गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जाएं तो आपको ये मॉर्निंग शो के जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, आज का शो है, ये आपको रात को इंशाल्लाह 9-10 बजे तक आपको ये भी अपलोड हो चुका होगा, आप देख सकते हैं ईजीएस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं, कुछ जॉब से रिलेवेंट होते हैं तो ऑफकोर्स वो अभी नहीं देख पा रहे होंगे या लिख नहीं पा रहे होंगे, तो आप इसको रिपीटेशन में देख सकते हैं। अच्छा, सभी एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है जो कि बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है, ठीक है? इससे ऊपर जाए तो फिर आपको मेडिकेशन की और एहतियात की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो आप जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ रहा हो जिसकी वजह से पूरी बॉडी पेन करती है, तो एक बीज आते हैं हमारी एकमत में तुख्मे करफ्स, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, उसे साफ कर लें। उसमें मिट्टी होती है, अजवाइन की तरह बीज होते हैं लेकिन ये अजवाइन नहीं होती है। इसे साफ करके एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना पानी के साथ किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये 2 महीने यूज करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, आपका 3.something, 4.something पे आ जाएगा, इतना नीचे ले आएगी और इसे कंट्रोल पे ले आएगी इंशाल्लाह, और ये दर्द वगैरह जो एड़ियों में दर्द होता है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है? देखें, ये कई रीजंस होती हैं, ये यूरिन में यूरेट्रिक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, किडनीज की वजह से भी होता है, बाज़ूकात किडनीज में रेत आ रही होती है, पथरी होती है या वर्म हो जाता है गुर्दे में, तो ये इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। बाज़ डायबिटिक पेशेंट होते हैं या शुगर हाई बीपी के पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर या शुगर अप एंड डाउन बार बार हो रहा होता है, तो इसका डायरेक्ट असर दिल पे और गुर्दों पे होता है, जो कि आपके यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले एक लफ्ज़ यूज़ किया कि जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं, वो अपना शुगर चेक हफ्ते में कम से कम 2 बार किया करें, कम से कम, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हर एक दिन बाद भी कर लिया करें, ताकि पता चलता रहे कि आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर कितना रहे। अच्छा, अगर किडनी में अगर जैसे इन्फेक्शन या ज़रात हो जाए तो हमें खाने पीने में क्या से रेगुलर क्या चीज इस्तेमाल करें? देखिए, जरात हो जाए जैसे रेत के जरात हो जाते हैं, तो पानी का टेक ज्यादा कर देना चाहिए। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि पालक, मेथी, टमाटर, बड़ा गोश्त, चने की दाल, ये चीजें बंद करनी होंगी। और साथ में एक बूटी आती है गोखरू के नाम से, गोखरू कांटेदार होती है, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पी लें, ये यूरिन आवर होती है, साथ में ये किडनी की सफाई के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। गोखरू कांटेदार बूटी होती है, एक गोखरू खुर्द होती है, एक गोखरू कला होती है। Okay. ये गोखरू खुर्द लेनी है आपने छोटी वाली। उसमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट में जो जैसे खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, ऐसे पानी वाले फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा। किनू हुआ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी टाइप के जैसे कहते हैं, बेतहाशा कैल्शियम यूज नहीं करनी। अच्छा, ओके। बेतहाशा कैल्शियम यूज नहीं करनी है, जिस तरीके से तरबूज, खरबूजा, खीरा, ऐसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर टाइप जो कि जिसमें 70-80% पानी होता है। तो अभी आया है खरबूजा भी मिल रहा है, तरबूज भी मिल रहा है, संतरा हो गया, संतरा भी ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, आप गन्ने का रस पी सकते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन शुगर के मरीज को अवॉइड है, वो नहीं पी सकते हैं। लेकिन ये है कि गन्ने का रस आप ज्यादा पिए ताकि आपका लीवर जो है वो भी क्लियर हो जाए और यूरिन का मसला भी हल हो जाए। वाओ, जबरदस्त डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताया। अच्छा, ये लोग गन्ने के रस में, डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल कर रही हूँ, मुझे भी हंसी आ रही, इनका कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ये असल में हम लोग तो गन्ने का शरबत ऑफकोर्स घर में तो नहीं बना सकते ना, इसका जूस नहीं, आजकल तो काफी फैसिलिटीज होगी, लेकिन ये जो इसमें शकरीन बहुत क्वांटिटी में मिलाते हैं। नहीं, शकरीन ये नहीं मिलाते, गन्ने के अंदर खुद ही शकरीन होती है, शक्कर होती है, चीनी होती है। यार मैंने पूछा ना उनसे, कहते हैं हाँ गन्ने में मिठास नहीं होती, तो हम लोग इसमें शकरीन नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, गन्ने के अंदर से ही तो गुड़ बनता है, वो कुछ खास ना, खुद मेरी तरह मीठा है। बात यहाँ खत्म हो गई है, इन्होंने कहा मेरी तरह मीठा है, अब मैं कोई सवाल ही नहीं कह सकती। तो ये डायरेक्टर साहब है, उनको बहुत हो रही थी, पूछ लें और बता दें। अच्छा, तो ये कपिंग क्यों जरूरी होती है?
जरूरी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर टॉक्सिन हमारी बॉडी में बैठते हैं, तो हमें उसको निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है कपिंग की ना, क्योंकि उससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं. और हर मंथ हमारी बॉडी में बैड ब्लड बनता है. ओके. तो जो बैड ब्लड होता है वो कपिंग के थ्रू बाहर निकलता है. लेकिन ये तकलीफ दे मरने नहीं, लिटिल बिट, बहुत सुपरफेशियल कर्स लगते हैं, वो डिपेंड करता है हर किसी की स्किन वगैरह. विद इन अ वीक चले जाते हैं, उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, 2 weeks 1 week, दैट्स इट. उससे ज़्यादा नहीं, एक्सपर्टीज होनी चाहिए तभी हम दूसरा सेशन बुलाते हैं 15 days के बाद, क्योंकि वो उन ड्यूरेशन में टाइम जो है ना वो बंद हो जाता है, लाइक उसके जो कट्स होते हैं वो हील हो जाते हैं. और डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा हम सुपरफेशियली कट्स लगाते हैं, थोड़ा बहुत लाइट देते हैं, ज़ाहिर है वो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा लाइट होता है उनका, तो इस वजह से ना. इससे क्या क्या बेनिफिट हमारा, इनके ब्लड जो है जितने भी पेन्स हैं बॉडी में वो इससे क्योर हो जाते हैं. जी, शाटिका, सर्वाइकल, बहुत हद तक. अच्छा डॉक्टर, तू एक चीज बताइएगा कि ये कोई चांद का कोई चक्कर होता है? एग्जैक्टली, सुनना डेट्स होती हैं बेसिकली हर मंथ की, 17, 19, 21, मतलब इन 3 dates में कराना अफजल तरीन बात है. सुभान अल्लाह, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है. अच्छा, तो इस वजह से ना ये 3 dates स्पेशल है. कौन कौन सी चांद? 17, 19, 21 इस डेट को. हाँ, जैसे कल जो थी वो रात को 19 थी. अच्छा, तो ये वाला अब एक बची है 21वीं, शब आज से स्टार्ट होगी. ओके, तो आज से मतलब आते हैं पेशेंट तो फिर कल पूरा दिन लाइक जब तक खत्म नहीं होती ना 21वीं शब. आप उनको बताते हैं एक इंसान जो है वो कितनी कपिंग कर सकता है, कितने कप्स लगा सकता है, डिपेंड करता है ना उसकी हिस्ट्री पे. अच्छा, कि किसकी हिस्ट्री कितनी वास्ट है. क्योंकि मैंने देखा है ना कुछ लोग 5 लगाते हैं, कुछ 7 लगाते हैं. नहीं नहीं, 30 कप्स भी अप्लाई है. 30 कप भी है. अब आप कॉलर आ गए आपसे बात करने के लिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरे प्यारे भाई. आप कहाँ से बात करें और आपका नाम क्या है? मैंने उस दिन भी फोन किया ना, क्वेटा से समीउल्लाह. वो मेरा मोबाइल जो है वो सादा मोबाइल है ना. हाँ? तो मैंने वो राजीव साहब ने जो मुझे बताया था ना वो फिशर का, वो मैंने नोट नहीं किया. तो ये फिशर के लिए जो है ना हकीम साहब ने 2-3 चीजें बताई थी ना, तो मैं भूल गया ना, नोट नहीं कर पाए. तो ये अगर दोबारा ये बता दे तो मेहरबानी होगी. कोई बात नहीं. अच्छा, ओके समीला भाई, कोई परेशान ना हो, आप प्रोग्राम टीवी पर देखे और ये अभी बताएंगे तो आप दे नोट कर लीजिए. बहुत दर्द होता है. अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और रात को ये प्रोग्राम रिपीट में चलता है, एक बार फिर बता दूं, रात को 12 बजे और अपलोड हो जाएगा ये शो रात ही में 10-11 बजे. तो आप इसको YouTube पे गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पर जाएं और आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी. फिशर की पहले थोड़ा बता दें. और देखें, फिशर एक पाइल्स की एक किस्म होती है जिसमें ये है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, जलन होती है, दर्द, स्टूल पास करते हुए तकलीफ होती है और बैठा नहीं जाता, और अगर चलने लग गए तो फिर चले ही जा रहे पड़े, फिर बैठ नहीं सकते. अगर बैठ गए एक बार, थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा उसको सुकून हो जाता है, लेकिन फिर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसमें इतनी तकलीफ होती है उनको. या आफ्टर स्टूल पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद होती है, उसके बाद आमतौर पर भी नॉर्मल होती है. अगर ये गोश्त वाली चीजें, तेज मसाला, ये चीजें खाएंगे तो ये फिर हो जाती है तकलीफ. तो कोशिश कीजिए बड़ा गोश्त ना खाइए, तेज मिर्ची का इस्तेमाल ना करें. और इसको क्योर करने के लिए आपने लेने नीम के बीज. नीम के बीज आपने लेने 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, नीम के बीज 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम. इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज करना है. और इस पहल छिलका वो 1 बड़ा चम्मच भर के 1 ग्लास पानी में मिला के रात को सोते वक्त रोजाना लें, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो बवासीर को मजीद बढ़ने नहीं देता, बवासीर को खत्म होने में मदद देता है. वाओ जबरदस्त, ये 1 चम्मच इस पगोल रोजाना अगर पानी में भिगो के फौरन ले लेंगे, थोड़ा 5 मिनट रख लें, थोड़ा सा फूल जाए, फिर इसे शेक करके चम्मच के साथ फिर पी लें. अच्छा जी, हमारे दमन एक और कॉलर है, एहसान फ्रॉम चीचा वतनी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? मैंने ये पूछना था कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है. ओके, हाँ, घुटनों में दर्द रहता है. आपकी उम्र क्या है? राइट, आवाज थोड़ा सा आपकी जो है ना जंप कर. हेलो, अरे अच्छा, आपकी आवाज ऐसे आ रही है यूं यूं कर करके लहरती हुई. हाँ, कट कट के लहरों से इधर उधर जा रही है.
हेलो, मैंने कहा 36 साल उम्र है मेरी। 36 साल? अब ऐसे लग रहा है मेरा भाई यहाँ से वो जोर से बोले ना। अच्छा जी, ये कब से तकलीफ है आपको? तकरीबन 3 साल से। अच्छा। तीन ना? हाँ, 3 साल से ना। अच्छा, इस आपने कोई और ट्रीटमेंट करवाया इससे पहले? कोई दवाई डॉक्टर वगैरह गए आप कहाँ? जी, दवाइयाँ वगैरह खाई हैं लेकिन उससे नेजा खराब हो जाता है। मैं डॉक्टर से ये पूछना था कि इसका कोई परमानेंट हल है। डॉक्टर साहब से बात कीजिए, मेरे ख्याल में जी। डॉक्टर साहब बात कीजिए, डॉक्टर साहब हंस रहे, मैं ऐसे ढूंढ रही भैया कहाँ चले गए हो। जी जी मेरे भाई, नहीं नहीं, मैं समझ गया उनकी प्रॉब्लम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। देखो, चीचा बदनी से थे, मैं नाम तो भूल गया उनका, और इनका जो सवाल था वो जोड़ों में दर्द। एहसान नाम है जी। एहसान साहब, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप इसको वीडियो बना लीजिए अपने मोबाइल पे। आपने लेनी है टोटली 4 चीजें जो अभी मैंने बनाकर दिखाई है। ये जो सबसे पहली चीज हमने डाली है वो तुख्मे रेहान डाली है। तुख्मे रेहान ये 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, असगन्ना गोरी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। एक बार पानी के साथ लें या दूध के साथ लें। ये स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप उधर ही बताइए क्या क्या डलवाएगा। देखें, इसमें हमने डाला तुख्मे रेहान, ये काले रंग के बीज है, ठीक है। तुख्मे रेहान 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, असगन्ना गोरी 50 ग्राम, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें ऐसे, यूं, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करें, खत्म हो जाए और बना लीजिए। क्या बात है जी। नाज़िम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और तूबा रियाज हमारे साथ हैं और दोनों हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश शाम देख कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हम बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स हमारे साथ शाह नज़ीर साहब हैं, तूबा मौजूद थी, और हम लोग बात कर रहे हैं कि कपिंग यानी कि कट जो लगते हैं वो हजामा, वो हमारे लिए कितना बेनिफिट। ऑफ कोर्स उसने, उससे क्या होता है, हमारा ब्लड में जो गंदा जैसे हम लोग होते हैं वो टॉक्सिन एलिमेंट है, उसको निकालने के लिए कपिंग यानी हजामा किया जाता है, ठीक है। ये कुछ लोग करवाते, कुछ लोग नहीं करते, कुछ डरते हैं। ऑफ कोर्स एहतियात बहुत ज़रूरी है। फिर आज हमने बात की आपके हड्डियों के दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन को स्पेशली हमने मेंशन किया, और कुछ लोगों ने हमें कॉल्स भी की। एसन ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हमें जो ऐसा पेन है ऐसा, तो डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, एक सर्वाइकल पेन होता है, ऑफकोर्स हम किसी पोस्चर में गलत पोजिशन में बैठते तो हमारी जो है बाद में उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हम समझते हैं कि हमने एक टैबलेट खाई, कोई भी एक पेन किलर खा लिया, हम रिलीव हो गया, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। यानी हमने कहीं ना कहीं बेतियादी की और समझते हैं एक पेन किलर से आधे घंटे में रिलीव हो जाए, नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू एंड वेलकम अगेन। ये बताएं कि ये जो पेन होता है हमारा कंप्यूटर में मुस्तकिल यूं करके बैठना, बेतुके तरीके से हम लोग पोस्चर गलत करते हैं, इसका पेन को रिलीव हम कैसे दे सकते हैं? या तो हम अपना पोस्चर सही होकर बैठे, क्योंकि हम तो रेगुलर कंप्यूटर पे आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे होते हैं स्टॉक में और डिफरेंट जगहों पे मुस्तकिल एक कंडीशन में बैठे होते हैं। बिल्कुल, इसमें ये है कि जिस तरीके से कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, बाज मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, और वगैरह बच्चों के साथ भी हो रहा है, तो इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत को बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगता और बनाने में सालों लग जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, जैसे अकड़ जाती है गर्दन, और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि लेटते बैठते चक्कर भी महसूस होते हैं, जिलजिला महसूस होता है, यूं लगता है जैसे सर घूम रहा है आपका, तो उस सूरत में मैंने 3 जड़ी बूटियां बताई थी। एक बताया था गोंद फुलाई, गोंद फुलाई आप ले लें 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। सुरनजान शीरी इसलिए मैं 20 ग्राम बताता होता हूँ कि ये अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन तोड़ती है ये, साथ में दर्दों के साथ साथ, क्योंकि कुछ चीज़ों के इसका अफेक्ट भी होता है, तो इसलिए ये 20 ग्राम डालते हैं तो ये पेट खराब नहीं करती है।
इसे मिला के पाउडर बनाएं, एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी के साथ। ये कंटिन्यू आपने महीना दो महीना यूज करना है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज, आम लोगों में जैसे खवातीन में आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से यहाँ नलों में पेन पेन सा भी महसूस रहता है, तो उस सूरत में आपने लेना है निशास्ता गंदुम। गंदुम का निशास्ता ये आपने 50 ग्राम लेना, सिंघाड़ा 50 ग्राम लेना, कमरकस 50 ग्राम लेना। तीन चीजें हैं, निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी के साथ। ये चाय नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। आपने ये कंटिन्यू एक महीना यूज करें, आपकी कमर भी मजबूत हो जाएगी, कभी दर्द नहीं होगा, और आम निस्वानी जो प्रॉब्लम रहती है खवातीन में वो चीज भी दूर हो जाएगी। जबरदस्त, ग्रेट। जाने से पहले हमारे नाज़रीन को मैसेज दे दीजिए ताकि यस आप बताएं कि लोगों, जैसे आप अक्सर कहते हो अपनी हेल्थ की केयरिंग, आवाम अक्सर कहीं मिस्टेक करती है, तो आप जरूर मैसेज दें। पता देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपका जो मोहल्लेदार होता है ना वो डॉक्टर नहीं होता, जो पड़ोसी होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो अपनी माहिराना राय जरूर दे रहे होते हैं, आप ये खा लें वो खा लें, ऐसा काम ना किया करें। खुद कोर्टिजोन खा रहे होते हैं, आपको भी लगा देते हैं कि ये टेबलेट मैं खा रहा हूँ तुम भी खाओ बड़ा फायदा होगा, ऐसा ना करें। जिनके पास डिग्रीज हैं आप उनके पास जाइए, एक अच्छा मशवरा कीजिए। काफी लोग जो है उनकी फीस नहीं होती है, आप मशवरा कीजिए, वो आपको जो बताएंगे वो आपके काम की होती है। हमसायों की बातों में मत आया करें क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है। हाँ, अच्छी बातों पे जरूर अमल किया करें, अपना ख्याल रखा करें, खाना वक्त पे खाया करें, नींद पूरी किया करें, पानी ज्यादा पिया करें, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और जिंदगी में आप अपने लिए 24 घंटे होते हैं, आधा घंटा अपने लिए निकालें, वॉक करें आप, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप आधा घंटा अपने आप को दें, बाकी दुनिया को दें आप। और दुनिया में जो सबसे महंगी चीज होती है वो खुशी होती है, खुशी को अपनाइए और दवाइयों से दूर हो जाइए। अरे वाह, देखिए आपने ऐसी बात बोली मेरा झुमका गिर गया। अच्छा जी, दूर तो जाने से पहले आप भी मैसेज दें अपने नाज़रीन को। मैं यही बोलूंगी कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, और यही बात है जैसे अपने लिए जरूर टाइम निकालें हम, क्योंकि दुनिया की चीज़ों में इतना मगन हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को देखें कि आपकी फिजिक, आपकी हेल्थ क्या जा रही है। तो इस तरह रहेंगे तो फिर आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। क्या बात है, खुश। अच्छा, अभी एक चीज, सुबह एक चीज बताते हुए जाइएगा, आप एक्नी का कुछ बता रही थी कि आपके उसमें क्या होती है। इसके अंदर बहुत अच्छा क्योर है एक्नी का, क्योंकि भाई बात है आजकल एक्नी हर लड़कियों को चल रही है, खाने की वजह से भी, एसिडिटी की वजह से भी हो जाती है अक्सर। तो ये है कि एक्नी बहुत इससे ना फायदा करती है, लाइक कपिंग से, और फेस ग्लो करता है। बिल्कुल, डार्क सर्कल्स वगैरह आजकल जो चल रही है सब कुछ, मतलब काफी इस पे फायदा है फेस के लिए। अच्छा, ये तो क्योंकि आजकल पीआरपी जो है इस पे आप बहुत पैसे फेंक रहे हैं लेकिन कोई फायदा कुछ नहीं हो रहा, तो अगर आप ये कराएंगे नेचुरल क्योर सुन्नत तरीके से करेंगे तो फिर डेफिनेटली क्योर है इससे ना। वाओ, जबरदस्त, ग्लो करती है फेस। अल्लाह पाक कामयाबी दे आपको। अच्छा जी, आज हमारी गुफ्तगू रही रेलेवेंट टू जॉइंट पेन और जॉइंट पेन के अलावा, हम लोगों ने कपिंग पे भी बात की, हिजामा पे भी बात की। तुबा, आपका आने का बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच। शाह साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जब हम अपने गुड मॉर्निंग विद समी में कुछ अवेयरनेस की बात करते हैं और कोशिश करते हैं हम आपको अच्छी से अच्छी बात डिलीवर करें, और मैंने कुछ गुफ्तगू में हमेशा ये देखती हूँ कि खुश रहें और ज़िंदगी का थोड़ा ड्यूरेशन है उसको ज़रा अच्छे तरीके से गुजारें। शिकवे शिकायतें हमारी बहुत होती हैं और कुछ फ़ायदा होता नहीं है, और हम अपनों को इन शिकवे शिकायतों की वजह से अपनों से दूर कर देते हैं। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है कि जब हम लोग अपने बहन भाइयों से बहुत सारी नाराज़गी का इजहार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे आगे भी बच्चे हैं, और हम उन छोटी छोटी खुशियों से इन नाराज़गियों की वजह से महरूम हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये सोच लें कि आज हमने ये शिकवे शिकायतों को इतना लॉन्ग लेके चलेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी तकलीफें पैदा हो जाएंगी और हम अपनों से दूर हो जाएंगे। तो अपनों से दूर ना हो, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अल्लाह पाक से रोज़ाना माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ कर दे, तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। तो बहुत सारी गलतियों को एक दूसरे के लिए दरगुजर करें। और जी, गुड मॉर्निंग विद सभी जो है रात को 12 बजे देखें, और हमारा पेज है गुड मॉर्निंग विद सभी, वो ज्वाइन करें और अपने खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज भी हमसे शेयर करें। ऑफकोर्स सभी YKP आप मेरे उस पर फेसबुक पर भी जा सकते हैं, सभी BBI पर भी जा सकते हैं, और प्यारे प्यारे अपने मैसेजेस
ऑफ कोर्स मैं आपके नाम के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सनी के साथ। चपली कबाब तो आज माशाल्लाह सादिया ने इस डिश को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। चलिए जी बताएं इसमें क्या क्या डाला आपने, सब चीजें पहले से डाली है। असल में इसको रात में मैंने सोक कर दिया था, चलो ब्लैक चिकपीस जो थे ना ब्लैक वाले उसको भिगो देते हैं। ब्लैक चनों का बना जी जी काले चने और ज्यादा फायदेमंद है, और फिर ये कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, इसमें गोश्त की जितनी अफादियत होती है। चलो अगर आपने गोश्त नहीं खाना तो आप ये खाए उसकी वो खत्म होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ठीक है, अच्छा ये हमने लिया, इसको हमने 2 कप ले लिया था। ठीक है, इसको हमने रात को सोक कर दिया था, फिर सुबह इसको हमने ग्राइंड किया है। इसमें हमने लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून अदरक का जी 2 टीस्पून वो डाला, इसमें कोरिएंडर वो डाला, हरा धनिया डाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली। ठीक है, इसको हमने और थोड़ा सा आटा फ्लावर कोई सा भी आप ले, ठीक है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया खूब बारीक। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। ओके ठीक है अच्छा, इसके बाद फिर हमने हरी प्याज इसको बारीक बारीक और दूसरी जो वाली सेम प्याज होती वो काट के इसमें हमने डाली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम इसके बाद जो इसका खास मसाला है चपली कबाब का वो डालेंगे। ठीक है, ये है इसमें क्या क्या डाला है, इसमें है ये 1-2 टेबल स्पून जो है वो कोरिएंडर सीड्स है। ठीक है, सूखा धनिया जी जी सूखा धनिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा क्यूमिन सीड्स है 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसके अलावा 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है। ठीक okay. वो है, और इसके अलावा पोमेग्रेनेट जो अनार सूखा अनार होता अच्छा, है वो भी डाला है। उसकी क्योंकि खटास इसमें थोड़ी सी हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, मैं इसीलिए ग्राइंड करके लाई हूँ कि मैं अपने हिसाब से इसमें डालूंगी। ठीक ठीक, अब हमने इसमें अच्छा, डालेंगे जी जी, हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, वैसे मैं 3 डाल रही हूँ। ठीक है, बहुत से लोग कम खाते हैं बहुत से ज्यादा खाते हैं। ठीक है, ये हमने डाला है, अब इसको मिक्स कर देंगे हाथों से। हाथों से मैं हम हाथों से कर लें, चलें जी हाथ से ज्यादा सही रहता है ना। अच्छा फ्राई पैन हम वहाँ पे रख दें, इसके ऊपर तक ज़रा गर्म हो जाए। ये देखें जी नाजी, सादिया ने जो है वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान इस पे रख दिया, इजिएस्ट हो गया। टेस्ट टू अकॉर्डिंग है, ये आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आप जो ज्यादा खाता है कोई कम खाता है इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा ये बड़ा प्रोटीन वाले हैं कबाब जो हैं, अगर अपने बच्चों को शाम की आईटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने ऐसे मसाले वाले बहुत अच्छे बनते हैं। इन्होंने अगर चाहे तो अगर अनार दाना ना हो लेमन का जी लेमन जूस भी डाल सकते हैं इस पे आप कोई भी, मतलब खटास हमें थोड़ी सी चाहिए। ठीक है, नहीं इमली नहीं, इमली नहीं पड़ेगी, आप इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं या पोमेग्रेनेट, लेकिन ये अगर डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। डायरेक्ट क्या उस पे डालोगे? पहले मैं इसी में डाल के बनाती जा रही हूँ। ऑयल कितना डालना? ऑयल इसमें आप अपने हस्बैंड जरूरत डाल लें और ज्यादा डालिएगा, क्योंकि ये तले जाएंगे ना। शैलो फ्राई डाल देते हैं। ओके यस, ये हमने ऑयल डाल दिया, हमने ये हाथों से बनाना है। यस, अब इसको हमने इन्होंने कहा हाथों से, अच्छा ये बिल्कुल जुड़े रहेंगे जी, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए आटा डाला है ना, तो वो इस वजह से जुड़े रहेंगे। ओके, कुछ लोग एग भी डालते हैं जी, एग भी डाल सकते हैं। हाँ आप डिपेंड कर सकते हैं, आप टेस्ट टू डिपेंड। पहली बार मैं चेक कर रही हूं, देखिएगा आप टेस्ट करके। वही मैं देख रही हूँ कि अभी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा सा गर्म हो जाए, थोड़ा फ्लेम और हम फ्लेम और बना के यहाँ रख सकते हैं। रख सकते हैं जब तक आप एक दो बना लें, अच्छा एक साथ ही डाल लीजिएगा। चलिए जब तक, ये भी अच्छा है कि फ्लेम अगर हम लोग जरा सा फास्ट हो जाए। यस हो गया, हो गया। चलिए जब तक आप 2-3 बना लें जी, फिर मैं डाल दूंगी। अच्छा हम लोग अक्सर जो है ये इसको अगर हम बना के, कुछ लोग होते हैं डीप फ्रीज करते हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, ये फ्रेश बनेंगे। सिर्फ आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन ये है कि चनों को रात को भिगो दें, सोक कर, और रात में ये होगा कि जब ये फूल जाएंगे तो जब आप इसे ग्राइंड करोगे तो बहुत इजीएस्ट हो जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा। और दूसरा ये सिर्फ ब्लैक चने नहीं बल्कि आप इसको वाइट चनों से भी जी बना सकते हैं। अच्छा मैंने आपकी बात काट रही हूँ, मैंने टमाटर भी डाला है बारीक ना काट के, अंडे का रस निकाल के मुझे लग रहा है जी। ओके, ताकि ज्यादा लिक्विड ही ना हो जाए जी, तो वो अजीब ही सा हो जाएगा। ओके, उससे ज्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है, जो अच्छा। चपली का नाम आ जाता है टेस्ट जरा सा ये हो जाता okay, है। हम लोग इस वक्त बना रहे हैं काले चनों के चपली कबाब। बाइंडिंग अच्छी हो जाती है ना आटे से, और या कॉर्नफ्लावर हो गया yes. या फ्लावर yes. कोई सा भी फ्लावर ले लें आप।
ओके जबरदस्त, अभी हम लोग एक एक करती मतलब चार डल जाएंगे। जी जी चार डल जाएंगे। ओके जी, मेरी बहन ने बड़े जबरदस्त आज ये जरूर आप घर में ट्राई कीजिए। इस तरह की चीजें हैं क्या आप ये है कि उसमें भी रख सकते हैं नाश्ते वगैरह में, शाम को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए अच्छे होते हैं। अभी शीरी बजट में, अभी शीरी आप की तरह सुबह नाश्ते का रोजाना एक मेन्यू वो बंदी लेकर आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ लो ये कहाँ से इतना दिमाग। यस डालन। ओके जी नाजीन, ये देख रहे हैं मेरी भाई, ये हाथ में करते इसी तो हम अच्छा डायरेक्ट डाल रहे हैं। जी जी मैंने ये लिया जी, मतलब डायरेक्ट ही होता है ना कि हाथ के हाथ करना चाहते हैं, इसमें ज्यादा वो नहीं होता है हमने ऑयल गर्म होने के चक्कर में, लेकिन आप हाथ तो हाथ इसे बनाए और हाथ तो हाथ। अच्छा ये हम ऐसे ही खाएंगे सूखे सूखे? जी चटनी इसके साथ मैं बना के लाई हूं। चलिए पहले चार डाल देते हैं, ये इसी को करना है उठाने, तो ये जब चार डालेंगे हम चटनी के ऊपर चले जाएंगे। गुड जबरदस्त, वाओ, यानी कि आपको अच्छा सा टेस्ट भी आएगा जी, और बच्चों के लिए भी बड़े जबरदस्त है ये आखिरी। अच्छा ये बात हमेशा रखिए, जब ये डालेंगे ना तो हम इसमें जी चम्मच नहीं चलाना है, अगर आपने चम्मच चला दिया तो ये टूटने का खतरा होता है इसमें, जब ये हो जाएंगे नीचे से तो फिर हम इसमें चम्मच से वो करेंगे। ये आपने टेक्निक बतानी है ना, हमने थोड़ी हमें मालूम थोड़ी, अब आप इसको अभी छेड़ना नहीं है, बस यस ये आप रखिए। अच्छा हम शाह नजीर साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब ये शाह साहब के पास, अच्छा नहीं शाह साहब के पास नहीं अभी जा रहे क्योंकि ये चटनी के बारे में बताएंगे, उन्होंने कहा है। यस आप बताइए चटनी। अच्छा ये जो है ये खजूर इसमें डाले थोड़े से, समझे दो चम्मच खजूर के हैं जी, इसका एक खजूर और इमली की मीठी चटनी, ठीक है, और इसमें मैंने इमली डाली है और चीनी में इसको पका के खजूर और इमली दोनों की मीठी चटनी है, इमली के साथ ठीक है, और इसको हमने ये ना ग्राइंड कर लिया, जैसे पका के इसको ग्राइंड कर लिया और उसमें कुटा हुआ जीरा ये डाल दिया आखिर में, बस सिंपल है ये तो, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जी खजूर इमली और चीनी थोड़ी सी और कुटा हुआ जैसे जीरा ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बात बताऊं, अगर ये किसी ने ये चटनी की मैं कहती हूँ रोटी से खा लेगा इतनी टेस्टी है, तो बहुत मजेदार है, रियली मैं सच कह रही हूँ बहुत मजेदार है। देखिए अब नीचे से हो गए ना, अब हम इसमें हाथ डालेंगे, अब हल्के से करेंगे उसको, मैं ट्राई करूँ क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि ये हल्के से करिएगा, तो नहीं है हल्के से, अच्छा डरने के लिए हल्का सभी मेरी वो ना कर रहे, देखो कितनी मुश्किल से मैंने बनाए। अच्छा एक सपोर्ट ले लें बेशक ताकि आपके ऊपर ऑयल की छींटे जी जी ना डले, ना डले ठीक है, ये ना आप छत से करें तो ऑफ कोर्स वो जो है ना एक, ये बहुत जिद्दी वाला कबाब था लेकिन देखिए टूट रहे नहीं है ये, मतलब ये बहुत लिक्विड होते हैं, बाद में टूट जाते हैं। दो चीज मैंने नोट की है, आपने लाइट को बहुत फ्लेम को बहुत हल्का करना है क्योंकि ब्लैक ना हो जाए, ब्लैक ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन टाइप के होने चाहिए। अच्छा मेरी बहन ये क्या चीज आप बता रही थी मुझे, ये लीजिए, ये तो मैं टमाटर काट के लाई थी और हरी प्याज का फूल, ये ऊपर से गार्निशिंग करेंगे आप, हम इसके ऊपर रखेंगे प्लेट के ऊपर जी, चले जी ये इसमें रख लेते हैं, ये बड़ा है ना सही इसके अंदर ले जाते हैं, चलिए इस प्लेट को इस तरफ ले आते हैं। ओके जी ये हो गया रेडी और जबरदस्त, जबरदस्त ये कितनी क्विकली बनाए, सर रात को का टाइम है कि जो उसको असल इसका है भिगोना, जितना टाइम आप इसको भिगोएंगे जितने अच्छे से ये भीगेंगे उतने ही जबरदस्त। फ्लेम उस साइड रख दें, फ्लेम बंद कर दीजिए ताकि हम लोग इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि अब हमने इसको गार्निशिंग कैसे, यस इसको वहां रख दीजिए एक गरम कर, यस ताकि अच्छे से कैमरा में कैप्चर हो, यस। चपली कबाब, चना चपली कबाब, चना चपली कबाब, काले चनों के चपली कबाब, काले चनों के चपली कबाब, फूल हमारा जरा हो गया बना के मैं लेकर आई थी घर से, कोई बात नहीं कोई बात, ये फूल फूल इस तरफ रख ले, ए मेरे फूल को ये फूल दीजिए, फूल दीजिए, उस फूल से कहिए का ये फूल मैंने फूल के लिए भेजा है, जबरदस्त जबरदस्त किस्म का भेजा दोगे, ओके बताइए शेर कैसे बना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओके जी चटनी भी रेडी हो गई है, आय 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 खजूर एंड इमली की चटनी एंड काले चने की चपली कबाब है, जो ऑसम गर्म है इसलिए अभी चट नहीं रही हूँ, ये ना मुँह जल जाए, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत इजीएस्ट रेसिपी है। शादी ये बताइए कि कितने टाइम से आप माशाल्लाह कुकिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन समझे 20 साल हो गए,
20 साल से, मतलब ऑनलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन भी करती हूँ, जैसे देती हूँ ऑर्डर्स वगैरह भी, जी ऑर्डर्स भी लेती हूँ। किस नाम से? कुछ फेसबुक पे है आपका? मेरा तो ये है कि शादी रियास के नाम से, और वैसे एक ऑनलाइन, जी ऑनलाइन ही फोन करके डिशेज वगैरह। अब आजकल मैंने थोड़ा कम किया हुआ है, वैसे पहले शुरुआत इसी से की थी और बचपन से ही शौक था कुकिंग का बहुत ज्यादा, तो हर चीज बना लेती हूँ। और हमारी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घर में इस तरह बरकत दे और लोग आपसे इतने ऑर्डर्स लें कि आपको टाइम ना मिले मेरे शो में आने का। आप इतनी बिजी हो जाए। थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाने या नहीं, छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं और है गुड मॉर्निंग विद सभी का है शो, जो आप बड़े शौक से देखते हैं और आपकी मोहब्बतें हैं। और इस सेगमेंट को आज जो आप एंजॉय करेंगे, ऑफ कोर्स जब टैलेंट की बात हो और पाकिस्तानी टैलेंट की बात हो तो मेरा वैसे ही दिल बाग बाग हो जाता है। और आज भी यहाँ पर बहुत ही डिजर्विंग एंड टैलेंटेड प्राइड ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और कौन लोग हैं? ऑफ कोर्स एक जूडो कराटे एंड ताइक्वांडो, इस तरह के हम जब बातें करते हैं उसमें अगर मेल के बाद फीमेल भी आ जाए तो हमारा प्राइड और बढ़ जाता है कि वाकई में ख्वातीन भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये फ्लैग हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जब भी कोई भी लहराता है, हमें हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और इस वक्त हमारे दरमियान आज स्पेशली सेगमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है ताइक्वांडो पे। और ऑफ कोर्स बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा जो है वकार अपना बनाया, नाम बनाया। और आज भी बच्चे जो हैं वो बड़े इंस्पायर हैं और इंस्पिरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेल के आते हैं। और अशरफ ताई इज़ द बिगेस्ट नेम, और इस तरह बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और आज हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हैं बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक पहले लेडी से मिलवाती हूँ। मेरे राइट हैंड पर बैठी हैं अफशा फातिमा और प्रेजिडेंट हैं वुमेंस विंग की ताइक्वांडो कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। रिसेंटली आपको मैं मिली थी कि अवार्ड सेरेमनी में, वहाँ पे आपको माशाल्लाह जी बिल्कुल लीडिंग लेडीज का कोई अवार्ड था? जी बिल्कुल, वुमेन्स अचीवमेंट था। वुमेन अचीवमेंट अवार्ड, यस, इनको मिला। डिजर्विंग, क्या बात, नहीं आप डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। मैं पाकिस्तान में कहीं पर भी टैलेंट होता है मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे इनवाइट करूँ। जी आज बताएं, आज माशाल्लाह कैसा, आज तो जबरदस्त हो गया, तो अपनी पूरी टीम लेकर आए हो। बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारी जो गर्ल्स हैं वो भी ताइक्वांडो में आगे बढ़ रही हैं, तो मैंने कहा कि एक नया टैलेंट जो हमारे जूनियर्स हैं उनको लाया जाए और आगे जो है प्रमोट किया जाए। बैजेस माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे बैजेस, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। यू ओ फिर ग्रीन कोट, थोड़ा फातिमा बताएं कि कब से आप ज्वाइन किया है और कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया? अच्छा, मैंने 2000 के बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तब से मैंने स्पोर्ट्स जो है कंटिन्यू रखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर स्पोर्ट्स के अंदर इतना आगे चला जाएगा। और बस वो एक होता ना, टीचर जो टैलेंट ढूंढ लेती हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर से, तो मेरी टीचर ने वो अपने इतनी कॉलेज में से लड़कियाँ निकाली और टैलेंट को उभारा और उनको पॉलिश किया। और पॉलिश करने के बाद जो है वो आगे हम प्रमोट होते चले गए। फिर फुटबॉल हॉकी जो है मैंने नेशनल लेवल पे खेली, सिन लेवल पे खेली, और फिर कराची यूनिवर्सिटी को मैंने प्रेजेंट किया। HSC के अंदर मैंने खेला और HSC से मैंने फिर ऑफिशियली एज अ मैनेजर, एज अ कोच जो है मैं सिलेक्ट होकर टीम में गई, जो नेशनल होती हैं उसके अंदर उनकी टीम में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक कॉलेज में पढ़ती हुई, मतलब मिडिल क्लास से, आप एक होता ना मिडिल क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता, तो मैं वहां से उठ के इतने अच्छे लेवल पर, नेशनल लेवल पर फिर मैं ताइक्वांडो के अंदर आई। मतलब मुझे अच्छा लगा वहां पर, और एक नया गेम था और बच्चियों में टैलेंट देखा मैंने, तो उनको और इंकरेज करना चाहिए। तो इसी तरह मेरे जो है माशाल्लाह से आगे सफर चलता रहा और इसी तरह स्पोर्ट्स के साथ मेरा ये कंटिन्यू सफर रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। क्या वैसे मोहल्ले के लड़के तो डरते होंगे फातिमा से? ऐसा है कि नहीं?
अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है ज़ारे स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की तो वैसे ही माशाल्लाह टैलेंट कॉन्फिडेंस इतना होता है अगर हमने इनको कुछ कह दिया उन्हें पलट के कह देना कुछ ना कुछ क्या बात है लोग डरते हैं अफशा से भाई मोहल्ले वाले जरा एहतियात करें हमें कहते हैं बाकी वुमेन्स को भी ऐसा होना चाहिए कि आजकल जो हमारे कराची के जब पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ऐसा ही लीडर बनना चाहिए कि ताकि कोई आगे कुछ कह ना सके या कर ना सके बहुत अच्छी बात है हमारे बराबर में बच्ची जरा थोड़ा माइक गुड़ी अपने जी एस आपका नाम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हुसैन है और मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ मैं कोरंगी नंबर 6 HRDCP से बिलोंग करती हूँ वहाँ के हेड तारिक शाह हैं सर तारिक शाह और मेरे इंस्ट्रक्टर सर खल्दून राज हैं ओके जी बराबर में अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बरीरा है मैं HRDC स्पोर्ट्स विंग से बिलोंग करती हूँ वहाँ के जो हेड हैं वो सर तारिक शाह हैं और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो सर राजा हैं माशाल्लाह और बराबर में गुड़िया सलामुअलैकुम मेरा नाम सना है और मैं HRD स्पोर्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे सर जो मेरे कोच हैं वो राजा खुलदैन हैं और हमारे कोच हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा फैमिली की भी सपोर्ट होती है तो फैमिली की भी सपोर्ट है क्या बात है जी सबने बड़ी रहा है और फातिमा ने अपने साथ ऑफकोर्स जो मजीद बच्चियाँ हैं जो ज्वाइन करी हैं अब ये डेमो भी होगा लेकिन जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है और रेफरी के तौर पे इंटरनेशनल मैं ये कहूँगी कोच भी हैं और खल्दून राजा साहब हैं माशाल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं खल्दून राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे राजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं कैसे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख रही हूँ इंटरनेशनल कोच एंड रेफरी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और ताइक्वांडो में एक टाइम गुजर गया है तो अल्लाह पाक आई एम वेरी अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड ऑन अस कि उन्होंने हमें इस लेवल पर पहुँचाया है जिस तरह अफशा ने बोला कि स्टार्टेड अ वे अगो और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके आपसे बहुत सारी बातें होंगी आपके एक्सपीरियंस की भी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी आसानियाँ हैं सब आपसे गुफ्तगू होगी पहले जरा इन छोटे बच्चों की भी बात हो जाए जी सबसे पहले आपका नाम क्या है हमारे जो कोच है उनका नाम राजा खुलदून क्या बात है गुड 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 व्हाट्स योर गुड नेम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अली है मैं HRDCP से बिलोंग करता हूँ मेरे कोच का नाम राजा खुलदून है और मेरे वहाँ के हेड सर तारिक हैं क्या बात है और आपका नाम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं HRDCP विंग से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के हेड तारिक शाह साहब हैं और मेरे इंस्ट्रक्टर ओके अच्छा जी सबका इंट्रोडक्शन हो गया मैं राजा साहब के पास चलूंगी और राजा साहब से पूछूंगी राजा साहब ऑफ कोर्स हर एज का बच्चा ऑफ कोर्स आपके पास आता है ये बेसिकली एज कौन सी होती है जब बच्चा सही तरह ग्रूमिंग होती है और वो इजी कंफर्टेबल जोन में सीख सकता है देखिए हमारे जो गेम है इसमें हम स्टार्ट करते हैं जब बच्चा थोड़ी सी कमांड ले सके ओके ठीक है वो क्लास को डिस्टर्ब ना करे और कमांड ले सके तो वो दैट इज द राइट एज बिटवीन 4 and 5 तो हम जब बच्चा 4 साल का 4.5 साल का होता है तो हम कहते हैं कि अगर वो इसमें आना चाहता है क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी है तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है फॉर द ग्रूमिंग एंड फॉर द माइंड बिल्डिंग तो उसके लिए अगर हमारे पास 4 से 5 साल का बच्चा आता है तो वो हर तरह से हमारे कैप्शन भी और कॉशन भी समझता है और वो आगे जो है वो प्रमोट भी होता है अच्छा कितना चार्म बच्चों को लगता है अट्रैक्शन कितनी लगती है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम पेरेंट्स की विश पूरी करें लेकिन कुछ खुद से बच्चे आगे बढ़ के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अब इसके दो भी पोजीशंस भी कह सकते हैं जैसे फिल्म में अट्रैक्शन हो जाती है मूवीज में अट्रैक्शन होती है एक खुद से होता है यार मैं अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे बच्चे आपके पास आते हैं देखें हर बच्चे का माइंड सेटअप और बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओके तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है फीमेल डिफरेंट हैं बॉयज डिफरेंट हैं प्लस बॉयज के अंदर और फीमेल्स के अंदर भी चेंजेस होती हैं व्हेन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके हार्मोन्स में चेंज आती हैं आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको आगे लेके चल रहे हैं फिर ताइक्वांडो जो है बेसिकली वो है 3 चीज़ों पर एक खिरोगी है जिसको हम फाइट बोलते हैं फिर सेकेंड स्टेप इसका पुमजे है एंड थर्ड इज मैनेजमेंट तो अगर कुछ बच्चों की बॉडी स्ट्रक्चर हमारा फाइट के लिए नहीं है तो हम उनको पुमजे की तरफ डाइवर्ट करते हैं ताकि वो पुमजे कर सकें पुमजे जो है वो बेसिकली एक यानी आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं कि फाइट होती है वो उसके ऊपर होती है और फाइट जो है वो खिरोगी है जिसके अंदर फिजिकल फाइट होती है रिंग के अंदर तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास दिल होता है वो करते भी हैं
बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं मानते कि सर हमें नहीं करनी, तो उनको फिर हम मैनेजमेंट की तरफ डालते हैं। तो ये मेरे पास जो ये स्लॉट है ये बिल्कुल अभी नया जूनियर स्लॉट है जो कि पिछले 8 महीने से मेरे पास कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से अभी इन्होंने दो से तीन चैम्पियनशिप खेली हैं। रिसेंटली इन्होंने अभी बहरिया में एक चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ खेली है, जिसमें 18 बच्चों ने मेरे पास पार्टिसिपेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे हमारे। तो यही लड़के और यही लड़कियाँ हैं माशाल्लाह, जिन जो अपने आप को प्रूव भी करते हैं और आगे भी चलते हैं। जिस तरह बच्चों का एक आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, इसी तरीके से वो आइडियलाइज अपने कोच और टीचर को भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो देख के आगे चल रहे होते हैं। जब आप रिंग में आते हैं, जब आप अरीना में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप वो किक्स, वो उनकी एक्ट्स, उनके पंचेस, वो देख के उसको फॉलो करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ग्रूमिंग आपके साथ, जैसे आप कर रहे हैं ये हमें करना है। तो ये मोटिवेशन बच्चों में ऑटोमेटिकली आती है। बच्चों को कभी चोट भी लगती होगी? बिल्कुल लगती है। देखिए ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और एक ये मार्शल आर्ट है, तो डेफिनेटली जब आपकी फाइट्स होती हैं तो इसमें चोटें भी लगती हैं, इसमें इंजरीज भी होती हैं, मेजर भी होती हैं, इसमें नाक भी टूटती है, पैर भी टूटता है, हाथों की हड्डियाँ भी टूटती हैं, क्योंकि ये एक आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो अरीना में और रिंग में उतरने के बाद। तो जब आप पंच किसी को कर रहे हैं तो पंच गलत भी लगता है और सही भी लगता है, तो इंजरीज होती हैं। किक आप कर रहे हैं, किक गलत भी लगती है, सही भी लगती है, उसमें भी इंजरीज होती है। तो ये एक पूरा फैक्टर है। बेल्ट जो होता है रेड ब्लैक कुछ, मुझे तो इतना नहीं मालूम, ऐसा कुछ होता है जी? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम व्हाइट बेल्ट और फिर ये स्लोली बट श्योरली प्रमोट होता है व्हाइट से येलो, 3 महीने का टाइम होता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं ग्रीन बेल्ट, ग्रीन से फिर ब्लू, ब्लू से रेड, एंड देन यू ट्रांसफर इट ऑन द ब्लैक बेल्ट। अब ये एक पूरा प्रोसीजर है और ब्लैक बेल्ट के बाद फिर आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बड़े प्राउडली मैंने ये सुना था आई एम ब्लैक बेल्ट जो बोलते हैं, तो अब मुझे पता चला कि उसकी वर्थ क्या है। फातिमा ये बताएं कि आपको उस खवातीन जो है, जाहिर बात है, जूडो कराटे का सोच के या ताइक्वांडो का सोच के हम एक एज तक सोचते शायद करते होंगे, बाद में छोड़ते होंगे, ऐसा कभी हुआ है? देखिए अगर उनकी शादी हो जाती है तो अक्सर जो हमारी वुमेन है वो जाहिर सी बात है फैमिली मैटर, वैसे ही भाग जाते होंगे। लड़की जूडो कराटे की चैंपियन है, उसने तो मेरे पेटे हाथ तोड़े। अक्सर सिर्फ इसके अंदर नहीं, बाकी गेम में भी आप हॉकी का देख लें, भाई तो हॉकी प्लेयर है और वैसे शादी करेंगे जैसे तो हॉकी लेके आनी है, मेरे बेटे की पिटाई करनी है, तो ये तो खैर ऐसे ही चलता रहता है। स्किप करो, सॉरी माजरत, लाइव शो में अभी मैं किसी जूडो कराटे की चैंपियन लड़की है और उसका जैसे उसने घूंघट उठाया उसको कुछ बात पसंद नहीं है, उसने एक लगाई जोर जोर से, मम्मी ये क्या हो गया, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, उन्होंने एक मार दिया, कोई लॉक लगा दिया, कोई शायद कराटा मार दिया, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली भाई जो जैसे आम लड़कियों की शादी होती है ऐसे स्पोर्ट्स वुमेन की भी इसी तरह शादी होती है। स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स अरीना के अंदर ही अच्छा लगता है, इसमें ग्राउंड में अच्छा लगता है। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा, देखें शादी एक नेचुरल चीज है जो होनी है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे लड़कों ने इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो हमारे पास औरंगी से भी एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी हुई भी है, जिसके 2 बच्चे हैं, एंड शी इज स्टिल अ प्लेयर, और माशाल्लाह वो जितनी दफा भी उतरी है सिल्वर गोल्ड होता है, शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, और वो अभी अपना क्लब भी रन कर रही है। तो इस तरह हमारे पास मजीद लड़कियां हैं जो कि जिन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है, कोई कॉलेजेस में लगी हुई है, कोई डिपार्ट से खेल रही है, कोई कराची को रिप्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसमें मेजोरिटी लड़कियां हमारे पास कराची की हैं, जो कि यहीं से निकली हैं, ग्रूम हुई हैं, डिपार्ट ने उनको लिया है और डिपार्ट के बाद वो कर रही हैं। अभी हमारे पास कराची की एक लड़की है आसिफा, और वो कोरिया गई भी ऑन स्कॉलरशिप फॉर PhD, 3 साल का उसका PhD का वहाँ पर टेन्योर है, और वो करने के बाद आएगी और उसका प्रोफेशन जो है वो ताइक्वांडो है। तो दिस इज एन ऑनर फॉर एवरीवन ऑफ अस के हमारे पास लड़कियां माशाल्लाह प्रमोट हो रही हैं। यानी कि जिसको पैशन है, जिसको कुछ करके दिखाना है, उसके लिए ये जो फजूल की बातें हैं, वो जो उसको अहमियत नहीं देती, वो अपने मेन उसका टारगेट है कि मैंने इस तरह अपने पाकिस्तान को, क्योंकि जब आप इस तरह गेम इंटरनेशनल लेवल को प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने आप को बाद में पहले अपने कंट्री को, उस फ्लैग को प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो तमाम चीज़ों को फेस कर लेती है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेती है और डिफरेंट लोगों की बातें भी सुन, लेकिन उसका एक गोल है वहाँ तक पहुँचना है, और वो उसके लिए तमाम हिडल्स को, तमाम रुकावटों को पार करते हुए सक्सेस की तरफ जाती है। ऐसे ही लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं बात करूंगी ये अफशां, ऑफकोर्स अगर मजाक में चली गई बात, लेट्स सी, लेकिन ख़वातीन ऑफकोर्स कितने परसेंट एज पर
आपके पास अगर 100 आ रही हैं फॉर एग्जांपल या इतने 100% आ रही हैं, फिर आगे ग्रेजुअली कितनी स्किप कर जाती हैं और कितनी इसको लीड कर जाती हैं? डिपेंड करता है जब लड़कियां कॉलेज लेवल से खेल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलती हैं, एक उनकी वो होती है शादी हो गई, जैसा सर ने बताया कि या तो अपने फ्यूचर में आगे इसमें बढ़ जाएंगी या वो शादी हो गई घर में, क्योंकि फिर शादी के बाद हस्बैंड की परमिशन भी जरूरी होती है। ओके, तो ज्यादातर लड़कियां जो है स्पोर्ट्स को ज्यादा रखती हैं कि हमने आगे इसको फ्यूचर में रखना है, पहले से मेंशन कर दी, क्योंकि अब देखिए स्पोर्ट्स के लिए कि हमारे यहाँ डीपीज कॉलेजेस में सिंध पब्लिक कमीशन के थ्रू जो जाती है वो डीपीज वो स्पोर्ट्स के लिए होती है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपने मास्टर कर लिया, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया जी, आप एक 17 ग्रेड के जो है आप अफसर बन गए, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी एजुकेशन है, ये नहीं कि सिर्फ आप दूसरे एजुकेशन में जाके आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के अंदर भी एजुकेशन है, आप इसको पढ़ें, जैसे सर ने आसवा का बताया माशाल्लाह पीएचडी करके आएगी और यहाँ आने के बाद उसकी 17 ग्रेड की जॉब आराम से उसको मिल जाएगी। जबरदस्त, तो ये तो हमारा फ्यूचर है और फ्यूचर ब्राइड है हमारी खासतौर पर खवातीन के लिए, और मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, टाइकांडो को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाता ही है। जबरदस्त, यानी कि हेल्थ फिटनेस सेल्फ डिफेंस एंड फाइनेंशियली हर तरह अगर आप उसको सही तरीके से लीड करें तो बहुत आगे बेनिफिट्स ही बेनिफिट है, हेल्थ के बाद बच्चे आगे, आपके बच्चों का भी फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, आपके बच्चे आपको फॉलो करके ऑफकोर्स कहेंगे कि हमारी अम्मी हमारे वालिद साहब जो है वो एक अच्छी स्पोर्ट्स में, तो हम भी इसमें चले जाएं। इसकी मिसाल तो हमारे खल्दून साहब खुद हैं, माशाल्लाह इनके फादर थे, अब ये अब इनके बाद इनका छोटा जो बेटा है माशाल्लाह हादी, वो भी इसी इन्हीं के नक्शे कदम पे, हादी 9 साल का है, देखें देखो मेरी 4 जनरेशन है पाकिस्तान में, बेसिकली ताइक्वांडो इंट्रोड्यूस मेरे फादर ने करवाया बैक इन लेट 70s, एंड द फर्स्ट फीमेल ब्लैक बेल्ट ऑफ पाकिस्तान मेरी बड़ी बहन थी। क्या नाम है वालिद साहब का भी? वालिद साहब मेरे एक ही राजा थे, सिंध ओलंपिक के सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो पाकिस्तान ताइक्वांडो के सेक्रेटरी रहे फॉर अराउंड 30 इयर्स। एक ही राजा साहब आपके वालिद साहब हयात है? नहीं, उनका भी इंतकाल। अच्छा, चले उनको अल्लाह पाक अपने जवारे रहमत में जगह दे, और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। पहली फीमेल ब्लैक बेल्ट ऑफ पाकिस्तान रुबीना राजा, वो मेरी बड़ी बहन थी, उनकी डेथ हुई है 97-98 में। तो इस तरह हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मेरा भांजा उसी रुबीना राजा का बेटा जो है वो इंटरनेशनल सेलर रहा है, और हिरोशिमा का जो है वो ब्रॉन्ज मेडल रहा है, तो तकरीबन उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा ये। अपने टाइम पे वो सेलिंग का चैंपियन रहा है, उसके बाद मैंने टेक ओवर किया है, मैंने गेम स्टार्ट की थी बैक इन 77-78। एज अ प्लेयर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, फिर मैं एज अ कोच रहा, मैनेजर रहा, अब मैं जो हूँ एज अ इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ, मैंने इंटरनेशनल कोचिंग के कोर्स किए हुए हैं, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ एज एन इंटरनेशनल। माशाल्लाह, खल्दून राजा साहब इंटरनेशनल कोच, सर आई सैल्यूट, थैंक यू सर, थैंक यू, आई फील वेरी प्राउड बिकॉज यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लोग, ये वो हीरे नगीने छुपे हुए, हम लोग बस खुशकिस्मत हैं कि आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में सर आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इज वेरी काइंड एंड थैंक यू टू यू ऑल। के देखें, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा कोई चीजें आगे नहीं निकलती हैं। अशरफ ताई, यस, आपने मेंशन किया ही इज अ लेजेंड टू पाकिस्तान, बेशक, बट उनका स्टाइल और हमारे स्टाइल में सिर्फ फर्क ये कि वो कराटे है, हम ताइक्वांडो हैं, बट ही इज वेरी रिस्पेक्टेड टू अस, ही इज वेरी सीनियर, और उन्होंने बहुत प्रमोशन दी, बहुत स्टूडेंट्स दिए हैं, लेकिन उनको भी सारा एक्सपोजर जो है वो मीडिया के थ्रू मिला, तो हैट्स ऑफ टू मीडिया पीपल, क्योंकि मीडिया के बगैर हमें एक्सप्लोरेशन नहीं है। गुड, तो जितना एक्सप्लोर हमें मीडिया कर सकता है, जितना हमें सपोर्ट मीडिया करता है, इतना कोई भी नहीं करता। ओके, तो थैंक यू, आप लोग ऑफ कोर्स कुछ करके दिखाते तो मीडिया उस चीज को हाईलाइट करता है, हम तो एक छोटा सा ब्रिज है जो हम लोग सपोर्ट, लेकिन बेसिकली हार्ड वर्किंग बिहाइंड ऑफ कोर्स यू, और इस तरह बहुत सारे पाकिस्तान में टैलेंट है। अच्छा, हम थोड़ा सा बच्चियों से बात करते हैं, फिर हम डेमो की तरफ चलते हैं कि ये लोग क्या लेकर आए हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, सर इसको गाइड करेंगे, ऑफकोर्स एक जबरदस्त एक क्रू होगा, मैं भी देखूंगी, और ऑफकोर्स सीख तो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, आगे पीछे हड्डी हो जाएगी तो कहेंगे लो भाई मॉर्निंग शो कैसे करूंगी, तो ये जरा हम बच्चियों से बात करते हैं। तो बरीरा, आपका नाम क्या? हुरुलैन, ये बताएं हुरुलैन, जब आप इसमें आई थी तो क्या एज थी आपकी, स्कूल गोइंग थी, और सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट की, खुद से शौक हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताएं? जी, मैं स्कूल के थ्रू आई थी और आवाज़
2013 और पहले मैंने डिफरेंट गेम्स किए करीब करें और ऊंचा बोले यस मैंने डिफरेंट गेम किए हैं मैं एथलीट भी हूँ मैंने फुटबॉल भी किया है लेकिन अब मैंने टैकोंडो कंटिन्यू किया है ओके क्योंकि ये हमें सेल्फ डिफेंस सिखाता है और लड़कियों को आना चाहिए सेल्फ डिफेंस आजकल जिस टाइप का माहौल चल रहा है तो हर लड़की को आना चाहिए सेल्फ डिफेंस मैं सबको एडवाइस दूंगी कि आप लोग भी टैकोंडो ज्वाइन करें और सबसे ज़्यादा मुझे घर वालों की तरफ से सपोर्ट है वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है जी जी कितनी बार लड़ाई होती है उनसे वो तो होती रहती है लड़ाई खूब बड़े या छोटे छोटे क्या नाम है उजैर कितने साल के हैं वो वो 12 के शर्म आनी चाहिए उस बेचारे की पिटाई करते छोटे भाई की तंग भी बात करते अच्छा इसलिए ये सीखा था ना आपने सब यही बोलते अच्छा चले जस्ट फॉर जो उसको ज्यादा ऐसा ना कीजिएगा उसको ज्यादा चोट लग जाए बराबर में तशरीफ रखते जी नाज़रीन हम लोग जरा बच्चियों से चिटपैट करें और मजा आता है थोड़ा देखें इन लोगों के ये हम लोगों के लिए ये जो वहाँ पर बैठी हुई बच्चियाँ हैं उनके लिए देखें इंस्पिरेशन होती है कि हम भी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जी आपका गुड नेम जी मेरा नाम बरीरा है बरीरा हाँ तुम्हारा ही नाम याद रहा मुझे बरीरा अच्छा बरीरा ये बताओ कि घर में मम्मा ने कहा कि यार ये मेरी बेटी को हांडी रोटी करनी इसको कहाँ पर लगा रहे हो बाबा से गुस्सा वुस्सा कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे कभी भी नहीं हुआ है वैसे मेरी मम्मा ने ही खुद बोला है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और तुम्हें सीखना चाहिए क्योंकि आजकल के पासन का जो माहौल है उस तरह का है और लड़कियों को खासतौर पर आनी चाहिए सेल्फ डिफेंस तो इस वजह से मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया और पूरे घरवालों ने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम सो टुडे आई एम हियर ओके अच्छा ये वो ये बहुत अच्छी बात है इसके बराबर मैं उनसे भी बात करती हूँ मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ना करे कभी स्नैचिंग वो गलती से इन गलती से अपने भाई के साथ जा रही हूँ और कोई मोबाइल या कुछ मांग ले ठहर तुझे मैं बताती हूँ तेरी है वो सोच रहा होगा ये कौन सी लड़की ये बुरके में ये दुपट्टे में कैसे निकल आई मैजिक हो गया इन्होंने उसका हाथ वाथ मरोड़ देना है उसके ऐसे लगाना यूँ गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके बेचारा जा रहा होगा वो अपने आप को उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा ये सिर्फ स्नैचिंग नहीं बल्कि एक औरत की सेफ साइड है और मैंने अक्सर देखा कुछ किडनैप कर लेते हैं तो कम से कम एक लड़की अच्छा ये सिर्फ जिस्मानी अलर्ट नहीं होते इनको मेंटली भी एक मैं इनके अंदर एक अलग सी होती है हर चीज़ को मतलब मशकूक निगाहों से देखना भी इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है इर्द गिर्द को क्योंकि ये इनकी रिस्पेक्ट होती है कि अगर ये बाजार जा रहे हैं तो इनको हर पर्सन से ज़रा सा पता चलना चाहिए कि क्या है ये हम आम जैसे लोग हैं ना हम तो बस अपने फोकस किया नहीं ये मेंटली हमेशा अलर्ट रहते हैं क्योंकि इनके फिजिकली मेंटली जो है ना वो ग्रूमिंग की जाती है लेट्स सी बराबर में कौन है जी आप जी मेरा नाम सना है कैसे आप फील्ड में आई ये बताएं सना मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो इस वजह से आ गई अच्छा मम्मा ने किसी ने तो मना किया होगा यार छोड़ो रहने दो अम्मी ने कहा था कि नहीं थोड़ी नाजुक सी हो नहीं जाओ वो मुझे अंदाजा हो रहा है बाकी अब्बू की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी ओके और भाई ने भी सपोर्ट किया लेकिन अब अम्मी आगे जाके अब अम्मी सपोर्ट कर रही हैं ओके कहती हैं आगे बढ़ना है बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करना है ऐसा कहती हैं जी अब कहती हैं अच्छा ये एक चीज ये चार्म है हम लोग अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं पर हम लोग इनका डेमोंस्ट्रेट भी देखेंगे जब ऑफकोर्स पेरेंट्स जब देखते हैं दूसरी बच्चियाँ अभी हूर है वो टेबल टेनिस की यही नाम है हूर ना वो बच्ची टेबल टेनिस की जो है वो बड़ा पाकिस्तान में अपना उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम वकार बनाया ऑफकोर्स बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तो ऑफकोर्स एक इंस्पिरेशन होती है यार वो बच्ची अभी कम अज़ कम होगी 12-14 साल की अब और बच्चियाँ भी उनके पेरेंट्स देख रहे हैं कि यार ये बच्ची ने नाम गए तो हमारी बेटी क्यों नहीं तो ये आई सल्यूट टू पेरेंट्स जो लोग अपनी बेटियों को अपने बेटों पर तरजीह ऐसे नहीं देते कि बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटियां नहीं दोनों को इक्वल लेके चलते हैं तो अच्छा लगता है और यही हमारे पाकिस्तान का फख्र है या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ फिर खुशामदीद और गुड मॉर्निंग विद सभी में और यहाँ पर अभी इंटरनेशनल कोच खल्दून राजा साहब ने अपनी फीमेल की अभी ये पूरी टीम प्रेजेंट की है अब देखते हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इनकी प्रेजेंटेशन की जाते हैं यस ओवर टू यू राजा साहब शरीयत
करना है। बताइए राजा साहब, ये किस चीज के लिए बोले? छजियत का मतलब है अटेंशन। ओके। खुंगने का मतलब है बाउ, जिसको हम लोग बेसिकली रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। ओके। तो ये इसके बाद कीबॉन हो रहा है, जिसमें हमारे तीनों ब्लॉक्स यूज होते हैं, जो कि अगर आपके पास कोई किक करे या कोई पंच करे तो ब्लॉक्स यूज होते हैं। ओके। ये उसके तीनों आपको स्टाइल और पंचेस शो करेंगी ये तीनों लड़की। ओके। की बॉन चुम्बे स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Chagi Jumbi, left leg back, first kick, front kick, 1, 2, wow. Change. Ka! 1. Whoa. 2. Whoa. Change. Ka! Front push kick. 1. 2. Change. Ka! 1. 2. Change. Ka! Drop kick. 1. 2. 3. Change. 1, 2, change. Bandha Shagi, middle kick. 1, 2, change. 1, 2, baro. ये चार kicks थी जो कि हमारे पास represent की जाती हैं. Face kick, drop kick, middle kick. ये वो किक्स हैं जो नॉर्मल में आप कहीं भी इसको एज अ सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। पंच एक चुंबे स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, 1 count 9 punches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वाओ बड़ो शरीयत करना है। चुंबे Psycho 1, start from your left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punching Jumbi. Yeah. 1 count 9 punches. 1. Taekwondo Pakistan Zindabad. Baro. Keep on Jumbi. Yeah. Start from your left. 1. 2. 3. Yeah. 4. 5. 6, 7, 8, 9, Baro, Chaki Chumbi, left leg back, middle kick, 1, 2, change, drop kick, 1, 2, change, front push kick, 1, 2, baro, chariot, karna hai. तो शेलिन की प्रेजेंटेशन देखी, अच्छा लगा। और ये चीज मैं एक चीज सोच रही थी, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज करवाना चाहें तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। इससे ना सिर्फ आपके बच्चों की
मेंटली ग्रोथ अच्छी होगी, बल्कि वो फिजिकली भी अल्लाह ना करे बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में मैं देख रही हूँ अभी जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप नोट करें कि बच्चे डिफरेंट नशे की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जैसे स्मोकिंग एंड पान वगैरह। तो मैं कहती हूँ अगर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बच्चों को इस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ एथलेट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि बच्चों को फोकस करें, उनके दिमाग में ये डालें कि बेटा कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आप चूज़ कर लें, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो या लेट्स सी जो भी आप समझते हैं कि वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उसको इसमें ज़्यादा मतलब इट्स मीन कि फोकस करें उसका, उसको प्रेशर ना दें, लेकिन उसका माइंड अगर आपने देखा होगा 3 साल का भी बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो आप उसको जाहिर सी बात है मोबाइल की एक्टिविटी से बेहतर है उसको छोटी छोटी एक्सरसाइज, उसका माइंड, उसको गेम्स भी ऐसे दिखाएं कि लाइक जैसे हम लोग बचपन में सुपरमैन, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सुपरमैन कैसे बनता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो पाए द सैलड, वो पालक खाता था तो ऐसे हेल्दी हो जाता था। तो अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी का माइंड मेक करें, कोई इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स मैन उसको रिप्रेजेंट करें, तो बच्चे ना सिर्फ हेल्दी बल्कि मेंटली फिजिकली हर तरह से आपके लिए उनकी एक मतलब ट्रेनिंग, बॉडी ट्रेनिंग हो जाएगी, मेंटली ट्रेनिंग हो जाएगी, उनको पता है कि हमने अपनी हेल्थ और फिटनेस और ज़िंदगी में याद रखे खूबसूरत ज़िंदगी उस पर्सन की है जिसकी सेहत अच्छी हो। रियली मैं सच कह रही हूँ, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसान है जिसकी हेल्थ अच्छी हो। हम राजा साहब की तरफ चलते हैं और मैं बात करूंगी ऑफ कोर्स राजा साहब से कि आया कि ये जो बच्चे हैं जो अक्सर आपने देखा होगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है वो गली में मोहल्ले में वो एक गैदरिंग बनी होती है और वो अजीब अजीब एक दूसरे को कभी कभी बैट लगाते हैं और वो गेम्स यूं खेल रहे होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अच्छी नहीं है। हेल्दी एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी में बड़ा फ़र्क है, तो मैं चलती हूँ उनके पास और पूछती हूँ कि आया कि हमारे बच्चों को इस स्पोर्ट्स से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी राजा साहब। जी मैडम, जिस तरह आपने बोला आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द हाउस। देखें स्कूल जाता है बच्चा, वो जो कुछ सीखता है, लेकिन एजुकेशन एक्चुअली जो स्टार्ट होती है वो घर से होती है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास जो लड़कियों की तादाद है वो काफी ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है। दूसरी बात ये कि आज का जो माहौल जो माशरा चल रहा है इसके अंदर आपके पास स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्कूल ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बच्चा गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो जितना आप अब हम अपनी बात करेंगे, हम लोग ने हम अभी तक गैजेट्स के अंदर नहीं है, हम अभी तक ग्राउंड वर्क के अंदर काम करते हैं कि हमें कहते हैं हम कहते हैं हमें फील्ड में डालो। Okay. हमें ग्राउंड चाहिए, तो जितना आपको ग्राउंड मिलेगा उतनी आपकी एक्टिविटी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा। Okay. तो इसी तरीके से अब लड़कियों को और नए बच्चे जितने भी हमारी यूथ है, जो भी आपने देखा कि जो डेमोंस्ट्रेशन देखे गए हैं, ये बच्चे मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने हुए हैं, और 8 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह इनका कॉन्फिडेंस जो है वो तकरीबन 80-90% पे है, बाकी आपने परफॉर्मेंस खुद देख ली इनकी। इसी तरीके से अगर बच्चा इस चीज़ों में रहेगा तो उसके बाद टाइम नहीं होगा किसी फालतू एक्टिविटी में बैठने का, या गली में या मोहल्लों में जाके लड़कों के साथ बैठने का। जब ये स्कूल से आते हैं, स्कूल से मदरसे चले जाते हैं, मदरसे से ये लोग क्लब आ जाते हैं, 2 घंटे इनकी फिजिकल एक्टिविटी है, तो बाय द टाइम दे गेट होम इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हर पेरेंट को, हर बच्चे को ये मैसेज है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राउंड पर आ सकते हैं और फील्ड में जा सकते हैं, इट्स नॉट ओनली कि आप आगे ताइक्वांडो करें, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं, टेबल टेनिस है, स्नूकर है, एथलेटिक्स है, जिमनास्टिक्स है, क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट आपकी माशाल्लाह बहुत प्रमोट कर रही है, इसी तरीके से टेबल टेनिस प्रमोट हो रही है। मेरी 2 कज़न्स हैं जो पाकिस्तान की टेबल टेनिस चैम्पियन रह चुकी हैं, सीमा खान एंड सबिया खान। तो इस तरीके से लड़कियों ने हर टाइम पर अपने आप को प्रूव भी किया है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के आपकी पीछे से फैमिली की सपोर्ट कितनी है एंड द इंस्ट्रक्टर व्हाट यू गेट। देखें हम जिस माशरे से गुजर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली ये माशरा बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह लेके चल रहे हैं और कितना प्रमोट कर रहे हैं। Okay. क्योंकि लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा चाम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का और प्रमोट होने का, मोर देन द बॉयज। और गर्ल्स, मेरे हिसाब से गर्ल्स आर मोर फोकस देन द बॉयज। तो लड़कों का फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में, लड़कियाँ जो हैं वो एक ही तरफ डाइवर्ट होती हैं, तो वो जहाँ डाइवर्ट होती हैं वो उसी तरफ फोकस भी रहती हैं।
मेरे पास यहाँ पर हुरुल एन है जिन्होंने मेरे साथ अभी 8 महीने पहले स्टार्ट किया है, ये फुटबॉल भी खेलती रही हैं, ये एथलेटिक्स में भी रही हैं, और अभी ताइक्वांडो की वजह से 8 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका कॉन्फिडेंस इतना है कि इसको अभी कोरंगी 6 नंबर के कॉलेज में एज अ पी इंस्ट्रक्टर जो है जॉब की ऑफर हुई है एंड शी हैज स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉलेज एज अ पी इंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से सना मेरे साथ मौजूद हैं। सना खुद जो है वो मदरसे में पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है, ठीक है, और ये एक हाफिजा का कोर्स भी करने वाली है माशाल्लाह, ताइक्वांडो भी कर रही है। आप उसके गेटअप से आपको नजर आ सकता है कि वो पूरा स्कार्फ भी पहनती है और आती भी हैं जब ये बच्चियां तो हिजाब में आती है। तो दिस इज अ वेरी गुड वेंचर एक्चुअली कि हमें अगर इस तरह की बच्चियां मिलेंगी जो कि पढ़ी लिखी भी हैं और ग्रूमिंग भी हो जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। देखें स्पोर्ट्स खाली स्पोर्ट्स नहीं सिखाता, ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये मैनर्स सिखाता है, ये आपको एजुकेट करता है। तो बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हेल्दी मेंटली और आगे फ्यूचर में भी, जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में कोई उसने बड़ा कोई प्लेयर बनने, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा शहरी जरूर बन सकता है। बेशक देखें ग्रूमिंग इंसान की बहुत जरूरी है और इसमें एज का कोई कैद नहीं है। ओके अगर आप अच्छे माहौल में, पॉइंट ये भी होगा कि जिन आपने जैसे कहा शाम में वो बच्चे क्लब में आते हैं और स्पोर्ट्स सीखते हैं, अब उनके स्पोर्ट्स के फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे, उनकी भी गुफ्तगू भी वैसे होगी, इस तरह एनवायरनमेंट बड़ा काउंट करता है। देखिए, a man is known by the company he keeps. बिल्कुल, it's a very old saying. तो आप जितनी अच्छी कंपनी रखेंगे उतना अच्छा आप ग्रूम करेंगे। तो जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, और मेरे हिसाब से अच्छा प्लेयर होना तो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी चीज। हाँ, अच्छा ग्रूम होना बहुत अच्छी चीज है कि कहीं अगर आप जाके खड़े हो तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत सारी चीजें आपकी डिफाइन कर देती है, विच फैमिली यू बिलोंग टू, आपका कोच कौन है, कौन सी जगह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट डजंट मैटर, देखिए जी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी औरंगी से बच्चे नहीं निकलते, औरंगी से बच्चे नहीं निकलते, इट इज़ अ वेरी वेरी बैकवर्ड एरिया, ऐसा नहीं है। इंसान अपने आप को अच्छा रखे तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। एरिया मैटर नहीं करता, मैं ये सच बताऊं, औरंगी औरंगी से हमारा क्लब है और बहुत बड़ा क्राउड हमारे पास औरंगी से पार्टिसिपेट करता है इन टर्म्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं है। औरंगी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 क्लब रन हो रहे हैं औरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चारों में फीमेल का हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। जबरदस्त। आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, मैं फातिमा से पूछूंगी, फातिमा फ्यूचर में क्या क्या अभी ऐसी चीजें जो आपको लग रही है कि अभी कमी है और वो हमें कहाँ से सपोर्ट होनी चाहिए और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? खासतौर पर वुमेंस को सपोर्ट मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। ओके जैसे अभी अल्लाह का शुक्र है अभी जो डिपार्टमेंट ओपन कर दिए दोबारा से, तो एक उन जब वो डिपार्टमेंट में चली जाती हैं तो वो फिर उनको वहाँ से जो एक लिमिट जो भी सैलरी होती है वो उनको मिलती है, तो वो अपने ऊपर ऑब्वियसली अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी हर चीज का, तो हुकूमत को चाहिए कि कराची के अंदर भी इसी तरह के छोटे जो क्लब्स का चल रहे हैं यहाँ पर, तो उनको भी कुछ इसी तरह जो है प्रमोट करें और उनको प्रोवाइड करें, ताकि बच्चियाँ जो घर से निकल के आ रही हैं, हालात आपको पता है कैसे, हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, ज़रा कोई दूर जा रहा है ट्रेनिंग के, कोई किसी के लिए करीब है, तो आने जाने का उनका कन्वेंस का कितना खर्च होता है, तो इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए कराची में भी, तो ताकि हमारी वुमेंस आगे बढ़ सकें, और जब आगे बढ़ेंगी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगी, और इन्हें फखर फील होगा जी मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम पाकिस्तानी, तो ये बहुत एक ऑनर वाली बात होती है कि जी आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर सिर्फ मैं मार्शल आर्ट्स की नहीं, हर स्पोर्ट्स के अंदर जो है एक प्राउड फील होता है कि आप जो हो कि पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ग्रीन कोट उनका ट्रैक सूट और एक उनका मतलब पूरी एक टीम होती है जो एक अच्छी लग रही होती है ग्राउंड में। सबसे बड़ा वो मोमेंट हो जो ग्राउंड में आपने कहा जब वो जब सब एक ओलंपिक्स का एक इनॉग्रेशन होती है जी, बिल्कुल होती है, ओपनिंग होती तो है। वो पूरी एक टीम जा रही होती है ना, फिर वो फ्लैग फ्लैग शोर कर रहा था, वो जो वो है ना जो मोमेंट होता है ना वो बहुत प्राउड होता है कि आप किसी कंट्री में जाके और आपका पूरा जो लोग वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल वेलकम कर रहे होते हैं, वो एक ऑनर की बात होती है। और मैं उस मकान तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स कहते हैं ना जब सोना है वो भट्टी में पकता है, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल तो एक प्रोसीजर होता है, और आप हीरे को देखें उसको कितनी चोटें लगती हैं, तब वो कुछ तराशने के बाद उसको चोटें लगती हैं, उसके बाद वो जो है उस हीरे को हम जो इतना पसंद करते हैं वो किसी अंगूठी में फिक्स होता है, बिल्कुल इसी तरह ये हमारे हीरे नगीने हैं। और मैं ये पूछूंगी हीरे नगीनों, ये इस बच्ची को जरा दीजिएगा माइक,
आपने अफकोर्स ज्वाइन किया, आगे क्या सोचते हो यार मैं क्या करूँगी, आगे बड़ा इंटरनेशनल खेलना है, कोई खास लड़की है उसको मैंने हराना है, कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट? इंडिपेंडेंट होना है, अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, घर वालों को सपोर्ट और ऊपर कर ले माइक बिल्कुल, हाँ घर वालों को सपोर्ट करना है, घर वाले मुझे मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, और इंशाल्लाह नेशनल मैंने अभी खेला था ओपन कराची, उधर मेरा सिल्वर लगा था एंड मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। इंटरनेशनल प्लेयर बनना है इन्होंने भाई। अच्छा इसके अलावा जैसे कि तो चले आपकी एक्टिविटी है, लेकिन किसी और चीज़ के भी शौक होते होंगे, सिंगिंग करने का, मॉडलिंग करने का, टिकटॉकर इतने आ रहे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रूखी फीकी बच्ची हमारी नहीं, मेरे ख्याल से आजकल जो ये अब मैं तो कहती हूँ ये गलत चीज है, स्पोर्ट्स में उनको एक्टिव करना चाहिए, स्पोर्ट्स में लेके आना चाहिए, ये जो टिकटॉकर बन रहे हैं और जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, आप एजुकेशन के बाद उनका माइंड डाइवर्ट किस तरफ जा रहा है, गलत चीजों के ऊपर, और स्पोर्ट्स ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है कि आपको पूरे लाइफ टाइम मतलब जो है हेल्दी रखती है। आप डॉक्टर्स को देख लें, वो भी जो है ना अपना क्लिनिक या जॉब के बाद जो शाम में कोई ना एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, या वो ट्रैक पे रनिंग कर रहे होंगे, या आपको वो बैडमिंटन, टेनिस, कुछ भी है। टेनिस में आप देखें खासतौर पर जो 50 प्लस जो खेल रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो सब बिजनेस मैन है, खेल अपनी अपनी बॉडी को जो है कि आगे जाहिर सी बात है उम्र, जब तक आप अच्छी हेल्थ और अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी लंबी उम्र जाएगी, और जहाँ आपने अपने आपको छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स आपने जल्दी चले जाना है। अच्छा जाते जाते इनसे एक एक मैसेज लेते हैं। राजा साहब आप, ये आपका कैमरा है और मैं चाहूंगी राजा साहब जो है ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोच भी हैं एंड रेफरी भी हैं, तो हम उनसे मैसेज लेंगे कि वो आने वाली यूथ को क्या मोटिवेशनल मैसेज है। जी राजा साहब देखिए जी, मेरा मैसेज सिर्फ यूथ को यही है, जिस तरह हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन काम कर रही है, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या जिसमें भी उनको शौक है, वो उसमें जाएं और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें इन अ गुड सेंस, यानी नेगेटिविटी में नहीं जाएं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आप बेहतर है कि पॉजिटिवनेस की तरफ जाएं, ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड आबाद करें, अपने आप को फिजिकली और मेंटली आबाद करें। अब हमारे पास जो सिंध ताइक्वांडो है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं कामरान, वो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो यूथ की तरफ है कि आप इनको प्रमोट करें, स्पेशली गर्ल्स। सेम लाइक वाइज यही हालत हमारे पाकिस्तान के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं कर्नल वसीम साहब, उनका भी यही है कि जितना कैडेट और जूनियर्स के ऊपर मेहनत कर सकते हो वो करो, इनको प्रमोट करो। अभी करंटली भी हमारी नेपाल में एक चैंपियनशिप हुई है जिसमें मैं एज ए इंटरनेशनल रेफरी पैन पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान की तरफ से, एंड इट वॉज एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि जारी बात है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बिल्कुल अलग सिनारियो होता है, तो उसमें हमारी कराची की भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की टीम ने किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेडल्स भी लिए। तो ये एक मोटिवेशन है और मेरा सर बच्चे को यही मैसेज है कि काइंडली ये इन मोबाइल से और गैजेट से बाहर निकलें, टिकटॉकर ना बने, अच्छे चीज़ों में आए, अपने वालदेन का सर जो है वो बुलंद करें और अपने पाकिस्तान का जो है नाम ऊपर करें, ताकि कहीं भी आप लोग खड़े हों तो आप लोग फखर से कह सकें कि यस वी आर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा जी हम मैसेज भी लेंगे अभी फातिमा से भी, और फातिमा बताइए आप अपने यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस थोड़ा सा छोटा सा ही मैसेज दूंगी कि वुमेन जो हैं वो आगे बढ़ें और ख़ासतौर पर उनकी जो फैमिली है वो उनको सपोर्ट करें, आप उनको लेके आइए ताकि उनके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो आगे जाके आपका पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फातिमा आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका, आप लोगों का एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं अभी इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं जाने जब एंड होंगी तो पाकिस्तान का नारा होगा और ऐसे लगे सिर्फ ये तीन और तीन छः नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ शामिल है, इसमें मेरी भी है और आपकी भी है। जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद।